हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट किए थे हम लोग। दो लेक्चर्स इसमें देख चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और अगला टॉपिक जो होने वाला है हम लोग का इसमें वह है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में इसको हम लोग EAN बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के पहले हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। जेड से डिनोट किया जाता है, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यदि एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो यही बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, एंड इफ एटम कैरी नो चार्ज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना बात हम लोग जान रहे हैं। तो या तो सिंपली एटॉमिक नंबर की बात की हमने, यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखे हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक फ्री एलिमेंट के लिए नहीं यूज होता है, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है हमेशा एक बॉन्डेड एटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो पढ़ा लास्ट लेक्चर तक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम लोग क्या पढ़े कि कोई मेटल एटम या मेटल केटायन होता है जो अपने अगल बगल बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयनों से घिरा होता है। तो यदि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एक मेटल एटम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयनों से सराउंडेड है या उससे बॉन्डेड है, तो उस बॉन्ड बनाने के बाद अब इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे या कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल। कोई भी एक मेटल एटम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के दरमियान या उस कंपाउंड में उस एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कहलाएगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम जो सेंटर में है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई लिगेंड्स। लिगेंड्स मतलब ये जो अगल बगल मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके बारे में बोला जा रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उस मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उस मेटल एटम को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम लोग जोड़े तो वही उस मेटल का कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पे, इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आया, जिसको कि हम लोग सिजविक रूल के नाम से भी जानते हैं। और यह बोलता क्या है कि एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी अस्टेबल व्हेन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ इट्स सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनकमिंग नोबल गैस। दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक रूल या सिजविक रूल। यह बोलता है देखो, पीछे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है
किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में डील नहीं करता है कि कोई भी कंपाउंड कब स्टेबल होगा, कब नहीं होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम होगा, ये स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वर्नर्स थ्योरी में। तो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको हम लोग सिजविक रूल के नाम से भी जान रहे हैं। और यह क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अस्टेबल होगा कब, जब उसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वह बराबर हो जाए उसके आने वाले नोबल गैस का एटॉमिक नंबर के। तो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर हम लोग क्या क्या जानते हैं, जैसे नोबल गैस में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, 18, 36, 54, 86 ऐसे। तो यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन का एटॉमिक नंबर इसमें से किसी के भी एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है क्या होगा, स्टेबल होगा, और यही कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिजविक रूल। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेकर के चले इसके लिए। जैसे नंबर 1 NiCO का होल 4 ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, सेंट्रल मेटल एटम का निकलेगा। तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो यह 28 इलेक्ट्रॉन हुआ निकेल का, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता हम क्या बताए थे, इसमें बताए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। अब ये लिगैंड क्या होते हैं, तो यही सिजविक बताए कि लिगैंड वे मॉलिक्यूल या वे आयन हैं जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हों। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिगैंड। और यही लिगैंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को और उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा और फाइनली उसके साथ जो है जुड़ जाएगा। तो यह जो है 28 इलेक्ट्रॉन या तो निकेल का हुआ प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लिगैंड है जो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो एक CO 2 लिगैंड इलेक्ट्रॉन देगा तो टोटल 4 है, तो जाएगा 2 × 4। और यह 2 × 4 किसके लिए हुआ, CO के लिए, तो हो गया 28 + 8 आ गया 36 एंड 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। तो देखो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर आ गया ना, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग CO NH3 का होल 6 पर 3+ ऐसा यहाँ से निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, ये कोबाल्ट का हो गया, 3+ चार्ज है, तो 3+ चार्ज है तो 3 माइनस कर देना होगा ना, प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो -3 यहाँ बता रहा है चार्ज को, प्लस अमोनिया 2 देगा, टोटल 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 - 3+12 यहाँ भी जोड़ोगे तो ओवरऑल आ जाएगा 36 जो कि किसका है, क्रोमियम का है। तो यहाँ भी देखो एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस के बराबर आ जा रहा है, तो ये भी जो है स्टेबल हो गया। तो ऐसे कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लेकर के चलें इसमें। जैसे MOCO का होल 6 ऐसा मॉलिबडेनम है, तो यहाँ यदि निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मॉलिबडेनम तो क्या हो जाएगा, मॉलिबडेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42, ये हो गया मॉलिबडेनम का, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा कितना, 2 × 6, तो ये हो जाएगा 42 + 12, तो ये कितना आ जाएगा 54, एंड 54 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन मींस नोबल गैस, तो यह कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल हो गया। उसी प्रकार से मान लो हो टंगस्टन का कंपाउंड WCO का होल 6,
तो यहाँ भी जब आप निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन, तो इसका एटॉमिक नंबर 74 है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 6, जोड़ दो 74 प्लस 12, तो यहाँ आ गया 86, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। देख रहे हो, तो ऐसे कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिसमें यदि उसके सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर को आप मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो उसका अपना है और जो इलेक्ट्रॉन लिगैंड के द्वारा दिया गया है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का समेशन आने वाले नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। जैसे मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 है, तो इसके जस्ट बाद नोबल गैस तो आ गया कौन सा, ज़ेनॉन ना, तो उसके बराबर होगा। इसका 74 है, तो इसके बाद नोबल गैस कौन सा आता है, रेडॉन, तो उसके बराबर होगा। तो यही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, कि यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जोड़ने से नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आए तो समझ जाना है कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, अस्टेबल होगा। दिस इज द सिजविक थ्योरी या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब यह जो रूल है ना, बहुत ही हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स के लिए जो है यह एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे वैसे कॉम्प्लेक्स हैं जो अस्टेबल हैं लेकिन इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो यह इसका लिमिटेशन है। जैसे उस कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, तो जैसे CrNH3 का होल 6 पर 3 प्लस, यहाँ यदि आप निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का 24 होता है, -3 चार्ज है इस पर, प्लस 2 × 6 अमोनिया के लिए, जोड़ दो 24 − 3 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 33 कहाँ किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, नहीं है। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, नहीं, कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ तो फिर इफेक्टिव एटॉमिक रूल जो है फेल कर जा रहा है। उसी प्रकार से NiCl4 पर 2 माइनस, यहाँ से यदि आप निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, तो 28 हो गया निकेल का, प्लस यहाँ 2 चार्ज है, माइनस चार्ज रहे तो जुड़ जाता है चार्ज, प्लस क्लोरीन का 2 × 4 कितना हो गया, 28 + 2 + 8 कितना आ जाएगा, ये 38। तो कहाँ हुआ नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, यहाँ भी उसके बराबर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो इस इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये सारे कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, नहीं, ये सारे कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बाकी के जैसा, लेकिन ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल उतना वैलिड नहीं है जितना होना चाहिए। अब इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल में इसको बदला गया। तो नेक्स्ट इसमें अब आता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अच्छा, अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, तो देखो अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लोग क्या पढ़े कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का CMI का, वह बराबर होगा एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अब यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि उसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। ऐसा नोबल गैस का वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो उसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में जो CMI का कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा हो जाता है N-1d10 NH2 NP6 ऐसा हो जाता है, और ऐसा हो जाने के चलते जो है आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो 10 + 2 + 6 ये आ जाएंगे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
तो अब जो हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में बोल रहे थे कि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर के बराबर होने से अस्टेबल होगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करके बोलेंगे कि अब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18, तब वह स्टेबल होगा और इसी को हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखो समझ में आएगा। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखा था CO NH3 का होल 6 पर 3 प्लस, ऐसा लिखे थे। इसमें यदि हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही पहले निकाल लो कोबाल्ट का, तो 27 हुआ कोबाल्ट का, -3 हो जाएगा चार्ज के लिए, +2 × 6 हो जाएगा अमोनिया का, तो 27 − 3 + 12 आ जाएगा कितना, 36। अब 36 के लिए यदि इसका आप लिखोगे कोबाल्ट का 36 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 36 इसका एटॉमिक नंबर नहीं है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। देखो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 × 2 = 6, 10 × 2 = 12, 6 × 18 = 10, 10 + 18 = 36। हालांकि वैलेंस सेल तो यहाँ फोर्थ सेल है, लेकिन पढ़े हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें वैलेंस का जो सेल होता है, तो वैलेंस सेल मतलब इसको एन लिखेंगे और वैलेंस सेल से एक पहले वाला है माने सेकेंड लास्ट सेल, तो इसको N-1 लिखते हैं। तो ये जो N-1 और N के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, या एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है, लो एनर्जी डिफरेंस, और लो एनर्जी डिफरेंस होने के चलते ये वैलेंस के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ ही साथ ये N-1d वाला भी करता है। मतलब अब इसका वैलेंस इतना नहीं बल्कि पूरा लेकर के चलना होगा। वैलेंस सेल यहाँ फोर्थ सेल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैलेंस सेल यहाँ कौन सा सेल है, फोर्थ सेल इज द वैलेंस सेल। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में ही ऐसा होता है कि जो N-1d है, N-1d मतलब N बराबर यदि 4 है तो N-1 हो जाएगा 4 − 1 = 3, तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है काफ़ी कम होता है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं, इसलिए इस पूरे को हम लोग वैलेंस बोलेंगे। तो अब ज़रा कन्फिग्रेशन देखो, हो गया ना N-1d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, NS में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ NP में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर लिया। या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्ट ऐसे क्या समझोगे कि कोबाल्ट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 3d7 4s2, मतलब वैलेंस सेल की केवल बात करेंगे कितना हुआ, 9। तो यहाँ से यदि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया किसका, कोबाल्ट का, -3 करना होगा चार्ज के लिए, +2 × 6 अमोनिया वाला, तो 9 − 3 + 12 तो हो जाएगा ये 18। तो देखो ऐसे भी 18 के बराबर आ गया, समझ रहे हो। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था उसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, वहाँ नोबल गैस का एटॉमिक नंबर के बराबर करते थे और यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर करेंगे उसको। और भी कई एग्जांपल्स हैं, उसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे MnCO का होल 5 पे माइनस, ऐसा। अब यहाँ से आप निकालोगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट माने वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करना है, ऑफ किसका, मैंगनीज का। तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 25, तो 3d5 और 4s2, तो टोटल हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक माइनस है तो एक जोड़ देंगे चार्ज के लिए, +2 × 5, तो 7 + 1 + 10 कितना आ गया, 18 आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आप ले करके चलो क्रोमियम CO का होल 6, यहाँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालोगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का होता है क्या, 3d5 4s1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ क्रोमियम का,
प्लस टू इंटू सिक्स हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो सिक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ भी कितना आ गया 18, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, नो डाउट, कोई संदेह इसमें नहीं है। एग्जाम में इवन आता भी ऐसे तीन चार कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, पूछेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मान लो एक और कॉम्प्लेक्स लेकर के चलें, RHCO का होल टू आई टू माइनस, ऐसा रोडियम कोबाल्ट के ग्रुप का है, तो कोबाल्ट का वैलेंस में 9 इलेक्ट्रॉन है तो रोडियम का भी 9 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 इंटू टू, प्लस ई भी 2 देगा, लिगेंड हमेशा 2 देता है, और एक माइनस है तो जोड़ दो, तो 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 4 13 4 17 1 18, यहाँ भी 18 आ गया, ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अब यहाँ भी सिचुएशन वही है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला के केस में था, कि सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं बावजूद कि वे स्टेबल हैं। तो ठीक है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो करेंगे, मतलब जिनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होगा, वे बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, कंपेरेटिवली उससे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे वही सब जो उसमें एक्सेप्शन था वही इसमें हम लोग ले सकते हैं, Cr NH3 का होल 6 पे 3 प्लस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का बताया क्या होता है 3d5 4s1, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 प्लस है तो 3 घटाना होगा चार्ज के लिए, प्लस अमोनिया 2 इंटू 6 कितना हो गया 6 माइनस 3 प्लस 12 15 आ जाएगा ऐसा, तो कहाँ ही फॉलो किया। उसी प्रकार से NiCl4 पर 2 माइनस, यहाँ निकालोगे निकेल का, तो निकेल का होता है 3d8 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ निकेल के लिए, हाँ, और 2 यहाँ माइनस है तो ये प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 10 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसा। तो किसी का 18 से कम हो जा रहा है, किसी का 18 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आखिर यह हो कैसे रहा है, और यदि हो रहा है तो फिर यह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल हैं, लेकिन 18 वाला की तुलना में हो सकता है कि थोड़ा कम स्टेबल हो, तो स्टेबल नहीं है ऐसा बात नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब इसमें से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से बहुत सारे बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी हैं, उसी को एक एक करके डील करना है। जैसे सबसे पहला इसमें है सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में इसको CMI लिखते हैं, या फिर सेंट्रल मेटल एटम जिसको शॉर्ट में हम लोग CMA लिखते हैं। इसके डेफिनेशन को जानने से पहले हेडिंग को ही आप ध्यान से पढ़ो, सेंट्रल मेटल आयन मतलब सेंटर में रहने वाला मेटल आयन, या फिर वह मेटल आयन ना हो तो मेटल एटम भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर में रहने वाला मेटल एटम या आयन जो अपने अगल बगल बहुत सारे मतलब कोई फिक्स्ड नंबर होगा, 4 होगा 6 होगा 5 होगा 10 होगा ऐसे करके,
तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर में रहने वाला वह मेटल एटम या वह मेटल आयन जो अपने अगल बगल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयनों से घिरा हुआ हो, तो यही सेंट्रल मेटल को हम लोग सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। एटम तब बोलेंगे जब उस पर कोई चार्ज ना हो, और आयन तब बोलेंगे जब उस पर चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जनरली पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। अब यहाँ मेटल की बात करें तो मेटल तो बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक के भी मेटल होते हैं, पी ब्लॉक के भी मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के भी होते हैं, एफ ब्लॉक के भी होते हैं। तो यहाँ जो मेटल होगा वह कौन सा ब्लॉक का मेटल होगा, तो इसमें से आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होंगे कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बड़ा ही फ्रीक्वेंटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होता है, और वैलेंस सेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने के चलते ये अपना वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडेड वैलेंसी। याद करो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है वह अपने नॉर्मल वैलेंसी से भी ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी। तो नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड तभी बनेगा जब उसके वैलेंस सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, चाहे डी हो या एफ हो, जो भी हो, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स होना चाहिए। और वैलेंस सेल में खाली ऑर्बिटल्स जनरली डी और एफ का ही होता है, एस और पी का वैलेंस सेल में ऑर्बिटल खाली नहीं है। जैसे मान लो कि आप कैल्शियम लिखोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, क्या लिखोगे? 4s2। अब 4s2 आप लिख दिए तो ये तो भर गया ना, अब इसमें आगे होगा 4p होगा, 4d होगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो इन सारे में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, तो ये अलग हो जाएंगे। पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चलोगे यदि तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसा पूरा का पूरा जो है सारा का सारा इसमें भरा हुआ है। आगे 4s के बाद आप जाओगे तो 4d होगा, और 4d से पहले भी यहाँ 3d बचा हुआ है, ऐसा 3d भी बचा हुआ है। तो इस केस में जो है ऑर्बिटल आगे खाली नहीं बच पाता है, लेकिन वही यदि आप क्रोमियम लेते हो 24, तो ऐसे ही होगा, लास्ट में हो जाएगा 4s2, 3s1, 3d5। तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ 5 ही है, तो कहीं ना कहीं ऑर्बिटल खाली है, और 3d तो खाली है ही, और आप 4s लिख रहे हो तो 4s के बाद आगे 4p और 4d भी खाली होगा, ऐसा। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स खाली होने के चलते जो है बेसिकली ऑर्बिटल्स खाली होने के चलते एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का, एक तो ये हो गया कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, दूसरा कि इस पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पे जो है हाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे क्रोमियम पर 6+ भी हो सकता है, MN पर 7+ भी हो सकता है, लेकिन S ब्लॉक का एलिमेंट लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा +1 होगा या +2, ग्रुप 1 का है तो +1, ग्रुप 2 का है तो +2। अरे आप P ब्लॉक में भी जाओगे तो बहुत भी करोगे तो +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बहुत ज़्यादा जाओगे तो उससे ज़्यादा नहीं होता है किसी मेटल का। तो ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो हाई पॉजिटिव चार्ज होने से क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा साइज उतना छोटा होगा, स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज यदि है तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड थोड़ा मजबूत बनाएगा। तो ये तीन फैक्ट्स हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केवल डी और एफ ही क्यों बनाता है, एस और पी क्यों नहीं बनाता है। सबसे पहला कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में खाली ऑर्बिटल्स हैं, खाली ऑर्बिटल्स होना जरूरी इसलिए है क्योंकि लिगैंड जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसी खाली ऑर्बिटल में वे इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेंगे। दूसरा रीज़न हुआ कि इन पे हाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होने के चलते साइज काफ़ी छोटा होगा, और छोटा साइज होने के चलते या मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। हालांकि कुछ कुछ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बना है, Li(AlH4) एल्यूमिनियम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोरोन है, तो ये सारे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ही हैं, लेकिन नॉट वेरी प्योरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इंटरमीडिएट में, ना तो बहुत सिंपल ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो इस बात को यहाँ से अच्छे से समझ लोगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंटर में जो मेटल एटम या मेटल आयन होगा
जो अपने अगल बगल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयनों से घिरा होगा उसी को सेंट्रल मेटल आयन के नाम से जाना जाएगा, या कोई चार्ज नहीं है तो सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पे बेसिकली डी और एफ ब्लॉक के कोई मेटल होंगे, एस और पी के नहीं होंगे, रेयरली ही होंगे, जिसमें से कुछ एक एग्जाम्पल ही है। क्यों होंगे डी और एफ के, एस और पी के क्यों नहीं होंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो इस कंसेप्ट को एकदम ध्यान में रखोगे, बेसिक सा कंसेप्ट है, डी ब्लॉक में पहले पढ़ा हुआ है, इसके पहले भी हम लोग जानते हैं सब बात को, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को नहीं करना है, बस थोड़ा सा आ रहा था यहाँ दिमाग में तो इसको हम लोग डील कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे भी बहुत सारे टर्म्स बच रहे हैं इससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। धन्यवाद।